आइए देखते हैं मजा आएगा। यार तुम मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर क्यों नहीं बना देते हो? आजकल स्किन डॉक्टर बनने के बड़े फायदे हैं। स्किन डॉक्टर के फायदे? कुछ फायदे मुझे भी बता दो। पहला, ये रात को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, बात तो सही है। और दूसरी बात बताऊं, इलाज के दौरान कभी इनकी मौत नहीं होती। और तीसरा, ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है। रिंकी के पापा जाने हो, हमका बड़ी चिंता हुई रही है। कहे का हुई गा? हमका लात रिंकी हुआ अपन कोनो ते सेट हुई गे। कहे आइस कहे लागत है? अरे कई महीना ते वो रिचार्ज खातिर पैसे नहीं मांगत ये। कैसन घटिया आदमी सब ही लोग की रोज दिन आके कान में एक ही बात बोलता है कि तुमको हम इतना पढ़ाए, इतना पैसा लगाए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। का पढ़ाया? एक कोठा क्वेश्चन पूछने आते थे ना तो दुम दबा के भाग जाता था। अनपढ़ एसोसिएशन का हेड। ट्यूशन लगवा देना को ना, पढ़ाना नहीं बोलते। स्कूल जाओ तो टीचर लोग बोलता है आपके माता पिता आप पे पैसा बर्बाद कर रहे। घर आओ तो घर में माता पिता बोलते हैं कि हम लोग आप पे पैसा बर्बाद कर। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों भाई जिसमें इतना लॉस हो? एज पर माई मेमोरी हम कभी स्कूल नहीं जाना चाहे। यही लोग का शौक था हमको भोरे भोर उठा के ठंडा ठंडा पानी से नहला के स्कूल भेजने का। हम तो मस्त अपना CID देख के अभिजीत तारिका का मुंह देख के जिंदगी काट लेते। नहीं, रोज दिन हमको चार बार एहसास दिलाने से कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, उससे हम कुछ कर लेंगे क्या? 22 साल का उम्र में चाहता है कि पहाड़ धांसते। बच्चा को बच्चा कम कच्चा समझ लिया है, जब मन करे निचोड़ दे। Oh my God! Wow! हमको 20 साल का उम्र में मोस्ट सक्सेसफुल पीपल का नाम दिखा दो। दिखाओ, जन्नत जुबेर का नाम मत बताना। जन्नत जुबेर को मेरे जैसा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता था। आज पता चल ही जाएगी हम इस घर का असली बच्चा है या बाहर से लाया हुआ नकली बच्चा, मैन्युफैक्चर्ड इन अदर हाउस। भगवान जी, आप हमको इतना बड़का फट्टू क्यों बना दिए? आपका ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सबसे सरल गलल पिचकल प्रोडक्ट हम ही निकल गए क्या? दुनिया के सामने तो जबरदस्ती हमको सूरवीर बन के रहना पड़ता है, पर आपको तो पता ही ना कि हम अंदर ही अंदर कितना बड़का सूरवीर है। हमको नया चीज ट्राई करने में इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि डर डर के फट के बांध दिया 36 हो जाता है। सबसे पहले एग्जाम सेंटर जाने में डर लगता है, फिर रोल नंबर ढूंढने में डर लगता है, फिर सीट ढूंढने में डर लगता है। ये सब ढूंढा ढूंढी करने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आता है तो इसमें तो बड़ से बड़ सूरवीरों का डर लगता है। तो हम कौन सा खेत का कैरेट मूली है भाई? मेरा फोन में उतना नोटिफिकेशन नहीं आता जितना मेरा दिल मेरा दिमाग को डर का नोटिफिकेशन भेज देता है। दुनिया वाला कहता है कि अकेले आए थे अकेले जाना है, पर हमको कहीं अकेले मत भेजा करिए प्लीज। एक बार अकेले ट्रेन पकड़ने चले गए थे, ट्रेन आने से पहले हमको सुसु पोटी उल्टी तीनों एक साथ आ गया। बट थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी स्पेशल। हमको पसीना बहाने के लिए मेहनत नहीं डरना पड़ता है। अब समझ आने लगा कि घर वाला हमको क्यों बोलता था कि तुमको पति के साथ ही घूमने जाना है, क्योंकि उन लोगों को पता है हम सोलो नहीं जा पाएंगे, हमको दोनों ही जाना पड़ेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।